वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित ने बताया कि वो अपने वड़ा पाव सेल को बढ़ाना चाहती है और साथ ही साथ उन्हें आया था दुबई से ऑफर जहां पर वो अपने वड़ा पाव के स्टॉल लगा सकती थी, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को मना कर दिया। वहीं नीरज के साथ बात करते हुए वो दिखी कि वो US और कनाडा में अपनी ब्रांच खोलना चाहती है। वेल, वड़ा पाव गर्ल तो वड़ा पाव के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वहीं पर नेजी और नीरज के साथ बात करते हुए वो उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करती भी नजर आई और वो कहना चाहती हैं कि वो यहाँ सबको वड़ा पाव खिलाना चाहती हैं। तो बिग बॉस उन्हें एक बार ये मौका दे जहाँ सभी उनका वड़ा पाव खाने के लिए एक्साइटेड तो हैं ही, साथ ही साथ यहाँ पर बिजनेस की बातें करती वो दिखी कि किस तरह उनका ड्रीम है कि वो US और कनाडा में अपनी शॉप खोलें। वेल, इनकी ये सपना पूरा होगा बिग बॉस के जरिए या नहीं, ये तो हमें आगे ज़रूर पता लगेगा। लेकिन इससे पहले चंद्रिका दीक्षित ने अपने काफ़ी सारे खुलासे किए अपने स्टॉल को लेकर, जहाँ पर नेजी ने कहा कि वो उनके साथ चाय की शॉप भी ज़रूर खोलेंगे उनके वड़ा पाव के।